हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर की धनसार आर्किटेक्ट में। तो आज हम साइट पे आए हैं और हम कुछ टेक्निकल बातें सीखेंगे। जैसे कि अभी ये कॉलम है और इस साइट पे कंस्ट्रक्शन चालू है और यहाँ पे हम बात करेंगे जॉगल की। जैसे आपको देख रहा होगा, इसे कहते हैं जॉगल। तो अपने बहुत से साइड पे देखा होगा जॉगल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्यों प्रोवाइड करते हैं बहुत से लोगों को पता नहीं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि जॉगल क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो क्या हमारे साइड के लिए डिसएडवांटेज हो सकते, मतलब क्या हमारे स्ट्रक्चर में फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो कोई भी जो हम कॉलम खड़ा करते हैं उसका रॉड कंटिन्यू तक आखिर तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें एक लैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जब हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो लैपिंग प्रोवाइड करते समय हम कभी भी जो कॉलम का लोहा बांधते हैं वो एक तरह से ऐसे कंटिन्यू में नहीं जाना चाहिए, ऐसे जब उसकी लैपिंग करते हैं तो जॉगल आना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं, अगर जॉगल कर रहे हैं तो ये रेनफोर्समेंट टॉप का और जो नीचे से रेनफोर्समेंट आई एक ही लाइन में आ जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे से ऊपर तक कॉलम का साइज एक जैसा रहता है। ठीक है, और साथ में जो भी लोडिंग ट्रांसफर हुई है, लोडिंग जो है इस रॉड से लेकर इस रॉड तक सेंटर टू सेंटर ट्रांसफर होती है, सबसे मेन चीज़। अगर इसको हम जॉगल नहीं करते तो ये रॉड अगर ऐसे अंदर गया होता तो यहाँ पे कॉलम छोटा हो गया होता दोनों साइड से। ठीक है, और साथ में जो लोडिंग ट्रांसफर होनी है वो ठीक से ट्रांसफर नहीं हुई होती, तो इस रॉड से वो सीधी कॉन्क्रीट में चली गई थी जबकि इस रॉड तक जाना चाहिए था। ठीक है, तो जो एक्चुअल उसका प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं किया होता, साथ में कवर का इशू आ जाता था। और जैसे यहाँ पे जितनी की टायरिंग हो रही उतनी की टायरिंग जैसे नीचे की आ रही वैसे ऊपर में नहीं आई होती, क्योंकि वो रॉड फिर अंदर में चला गया होता। ये सब चीज़ें होती है, बेनिफिट होती है जॉगल के। ठीक है, और साथ में स्ट्रक्चरली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, ये सब चीज़ें होती है। साथ में सबसे मेन चीज़ तो जो लोडिंग होती है वो सेंटर टू सेंटर ट्रांसफर होना चाहिए, इसके लिए हम जॉगल देते हैं। अगर हम जॉगल नहीं देते तो क्या हो सकता है कि हमारा जो कॉलम है यहाँ से नीचे में खसक सकता है, क्योंकि क्या होगा अगर ऊपर से कॉलम अगर लोहा अगर आता है तो नीचे का जो लोहा है उसको यहीं पे रोक लेगा, क्योंकि यहाँ पे टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है और हमें जॉगल प्रोवाइड करना चाहिए कॉलम में। और बहुत से स्ट्रक्चर में हमने देखा कि नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने अगर आपकी कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि हमको जॉगल चाहिए कॉलम में, आपने जॉगल प्रोवाइड ही करना चाहिए। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए अगर आपको समझाए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइन अप धनसार आर्किटेक्ट।